हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास आज है एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पे जो चैप्टर का नाम हमको दिया हुआ है उसमें लिखा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें पेयर दिया है लीनियर इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशन दी हैं और उनके अंदर के वेरिएबल भी दो ही होंगे, और उनके बीच में जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो हमें शो करना है। फॉर एग्जांपल एक लाइन खींच लेते हैं हम, एक लाइन ये है हमारे पास लाइन फर्स्ट। इसकी हमने जो लीनियर इक्वेशन, एक लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और मान लेते हैं हमारे पास ये दूसरी लाइन है, और जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन हमें दी है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये दो लाइन हमें दी हुई हैं, दो लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे इससे पहले भी समझाया था आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यानी वहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद एक्स फिर ऐसे करके था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे एक बार एक्स है फिर वाई है, तो ये दो वेरिएबल हो गए। तो लिखा हुआ है इन टू वेरिएबल और पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन ये ऊपर वाली है और एक इक्वेशन ये नीचे वाली है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है दो और वो उसका उसके पास भी दो वेरिएबल हैं। जब भी हमारे पास दो लाइंस आपस में होती हैं तो उनके पास तीन कंडीशंस होती हैं, या तो वो दोनों ही लाइन किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरैक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास, या दोनों ही एक दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक होना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन को हमने मान लिया ये दे दिया है लाइन वन और सेकेंड लाइन है लाइन टू। तो अब मान लेते हैं लाइन ऊपर वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और जो ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन है हमारे पास ए वन एक्स बी वाई प्लस सी। ये बी वन कर लीजिए, एक काम करते हैं इसको ए डैश कर लेते हैं और इसको हम बी डैश और ये सी डैश कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करना मतलब लाइन वन लाइन टू को यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया इस एक पॉइंट पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरसेक्ट करेगा? जब भी हमारे पास ए अपॉन में ए डैश की वैल्यू इक्वल नहीं होगी बी अपॉन में बी डैश की, तब ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई पाई जाएंगी। सेकंड केस, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल, तो एक लाइन हमारे पास L1 है और एक लाइन हमारे पास L2 है, लाइन 1 और ये वाली लाइन 2 है। जब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है हमारे पास? ए वन अपॉन या ए अपॉन में ए डैश कर लीजिए इसको, बी अपॉन में बी डैश और सी अपॉन में सी डैश। ऐसे ही जब लाइनें मान लीजिए एक के ऊपर एक होंगी, कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब हमारे पास जो लाइन वन है वो लाइन टू के ऊपर कोइंसिडेंट है, तो हमारे पास वो कंडीशन आ जाती है ए अपॉन में ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन में बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन में सी डैश। तो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती हैं तब जो उनके वेरिएबल के आगे वाले कोफिशियंट्स होते हैं वो एक दूसरे से, उनका जो रेशियो है वो बराबर आ जाता है। तो पहले कंडीशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जो पहली कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होती है, जो दूसरी कंडीशन है वो नो सॉल्यूशन कहलाता है, और जो तीसरा वाला होता है वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस कहलाता है।
इस चीज को आप इस बेसिस पे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपने पहली लाइन को a1 b1 और c1 माना है उनके कोफिशियंट्स को, तो यहाँ पे भी आप वैसे लिख लेते और सेकंड वाले को a2 b2 और c2 लिख लेते, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते थे। तब हमारे पास जो कंडीशन होती वो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इसके फॉर्म में आ जाती। तो चाहे आप उसको वैसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बस उसके कोफिशियंट हर बार चेंज होंगे तो वो क्वेश्चन में अलग ही आएगा, बाकी कंडीशन यही है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। आफ्ताब ये कह रहा है अपनी बेटी से कि आज से 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज से 7 साल पहले वो अपनी बेटी की उम्र से 7 गुना ज्यादा था। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज प्रेजेंट एज से 3 साल बाद अगर देखेगा वो, शेल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तो तुम जितनी बड़ी होगी उसका 3 गुना मैं हो जाऊंगा, एज मेरी हो जाएगी। इज इट इज इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द एल्जेब्रिक एंड द ग्राफिकली। इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों समझाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानेंगे कि जो फादर है, फादर की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं एक्स, और डॉटर की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं वाई। अब वो ये बोल रहा था कि आज से 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज से 7 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो यहां पे लिखेंगे 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, तो दोनों की एज में फादर की एज कितनी हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी एक्स माइनस 7, और जो डॉटर है उसकी एज हो जाएगी वाई माइनस 7। तो अब इसको अगर हम इक्वेशन में समझें तो नाउ यहां पे फादर की एज हमारे पास है एक्स माइनस 7 और डॉटर की एज है वाई माइनस 7। तो फादर का ये कहना था कि आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना ज्यादा थी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज से 7 साल पहले उस बच्ची की एज, ये जो वाई वाला है वो बच्ची है ना, तो उस बच्ची की एज 7 साल थी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 49, 7 गुना ज्यादा थी ना। तो अब हम 7 का इंटू कहाँ पे करेंगे, डॉटर में, तभी तो ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी, नहीं तो फिर अगर इसमें 7 से इंटू कर देंगे तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 से हम इंटू करेंगे, डॉटर वाले में इंटू करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास छोटी होती है हमेशा मल्टीप्लीकेशन उसी में करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डॉटर दिया हुआ है वाई माइनस 7, तो 7 का इंटू इसमें कर देंगे। यहाँ पे अगर इक्वेशन जमा लें तो एक्स माइनस 7 इंटू कर देते हैं वाई का इंटू 7 में, और यहाँ पे 7 7 49, सारी वैल्यू वहाँ ट्रांसफर कर दो, तो आ जाएगा एक्स माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7y, 49 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। इसके बाद अगले स्टेप में उसने क्या कहा कि अगर हम देखें तो हमारे पास 3 साल बाद ना, एंड हमारे पास एक कंडीशन और है, फादर की एज, डॉटर की एज हम यहां रखेंगे, और 3 साल बाद, 3 साल बाद यानी दोनों की एज में हम 3-3 प्लस कर देंगे। तो आज मान लीजिए जैसे 2020 है, तो आज से 3 साल बाद 2023 में, तो अभी 2023 ये कर दिया यहाँ पे 3 साल जोड़ के, और ये कर दिया यहाँ पे। तो फादर ने बोला मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा रहूंगा, तो जैसे अगर मान लो कि उसकी एज अगर 21 है, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए है, मान लो अगर उसकी एज 21 है तो फादर की एज हो जाएगी कितनी 63। तो अब हम यहाँ पे डॉटर की एज को बराबर करना है, तो हम 3 का इंटू किस में करेंगे, डॉटर की एज में, जो छोटा होता है उसकी एज में हम इंटू करते हैं। तो यहाँ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ये सारी वैल्यू यहाँ ले आओ, आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, इन दोनों ही इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। दोनों ही इक्वेशनों में से या तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है या तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन वन से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे अगर हम x की यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल ले, मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो ये 42 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 42, और ये आपके पास 7y उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 7y। तो अगर हम यहाँ से अब इसके लिए एक हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाना पड़ेगा x और y के बीच में, अभी अभी हम इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी हुई है वो लिख लीजिए, x इक्वल टू दिया हुआ है हमें 7y माइनस 42, और y की वैल्यू हम नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे एक बार हम y की जगह पे जीरो रख के देख लेते हैं, अगर हम y की जगह पे जीरो रख रहे हैं तो इस वैल्यू को पहले रफ में सॉल्व कर लीजिए, मैं यही कर ले रहा हूँ, आप रफ में सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू जीरो रख दें यहाँ पे, तो अगर यहाँ y की जगह हमने जीरो रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 42, तो यहाँ पे रख देंगे हम माइनस 42। ये यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 7 यहाँ पे रख दिया जीरो आपने y की जगह पे, और माइनस 42 बगल में है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 42। और अगर यहाँ से हम एक बार y की जगह पे 1 रख दें, y की जगह एक बार 1 रिप्रेजेंट कर दें, तो y की जगह अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू 7 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 42, तो यहाँ आ जाएगा x 7 माइनस 42, 7 माइनस 42 तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 35। जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35। तो अब हम सेकेंड वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उससे भी हम सेम टू सेम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और अब वैल्यू को हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 6, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 3y। अब हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3y प्लस 6, और यहाँ आ जाएगा y। y की वैल्यू हम एक बार यहाँ पे जीरो रख के देख लेते हैं पहले, y की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो यहाँ अगर हमने जीरो रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6, देख लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 0 0 और ये आ जाएगा 6। और अगर एंड अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगले वाले स्टेप में अगर 1 रख दें तो हमारे पास देख लेते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, तो y की जगह अगर हमने 1 रखा तो 6 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 6 प्लस 3 तो यहाँ आ जाएगा 9। तो जब हमने y की जगह पे 0 रखा था तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी 6, जब हमने y की जगह पे 1 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी 9, तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पीछे दिए गए जितने भी पॉइंट हैं हमारे पास उसको हम यहाँ ग्राफ में मैंने खुद से बना लिया है, नहीं तो आप ग्राफ पेपर पे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पीछे दिए गए पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको माइनस 35 कर लिया है, पहले ये सिर्फ 35 लिखा हुआ था, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। हमारे पास जब y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है तब हमारे पास x की वैल्यू है माइनस 42, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 42, तो ये इस लाइन में जाएगा यहाँ पे। x y हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है तो इस लाइन में तो जाएगा ही नहीं, और x हमारे पास माइनस 42, तो पॉइंट मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहाँ आएगा। और इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया हुआ है y पे 1 होना चाहिए और x पे हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए माइनस 35, तो y पे 1 हल्का सा और x पे हमारे पास वैल्यू x पे हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए माइनस 35, तो माइनस 35 यहाँ, तो एक लाइन हमारे पास ये बन जाएगी, इनको अभी हम जोड़ देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है अगला, जब हमारे पास y पे 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 6, तो y पे 0 और x पे आ रही है वैल्यू 6, तो पॉइंट ये पड़ गया पहला वाला। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है y पे वैल्यू 1 और x पे हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 9, तो y पे वैल्यू वन हल्का सा और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 9, ये यहाँ मान लेते हैं उसको। यहाँ पे आप इस लाइन को मिला लीजिए, हमारे पास ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं वो कुछ यू दिए हैं, तो यहाँ से ये लाइन हम ऐसे मिला लेंगे
और ये जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास कुछ यूं जा रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bat and 6 ball ऑफ 3900 और लेटर शी बाइज अदर बैट एंड 3 more balls ऑफ 1300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। वो ये बोल रहा है कि कोच है, पहले उसने 3 bat खरीदे और 3 ball खरीदे, दैट वो पड़ गया उसको 3900 रुपये का, और बाद में उसने 1 bat खरीदा और 3 ball खरीदे तो उसको पड़ा 1300 रुपये का। तो यहाँ पे हम बैट की एक क्वांटिटी को एक्स मान लेते हैं और बॉल को वाई मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat हमने माना एक्स और सेम फॉर द बॉल हमने माना वाई। और अगर अब यहाँ से हम उसको रिप्रेजेंट कर लें तो हमारे पास पहला इक्वेशन बनेगा नाउ, हमारे पास आ जाएगा 3x + 3y = 3900। और जो दूसरी इक्वेशन हमने देखी एंड, हमारे पास उसमें भी 1 bat था और 3 ball थे और कुल मिला के 1300 रुपये का आ रहा था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, जैसे कि पहले बताया था फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 3x + 3y = 3900। ये यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 3x = 3900 - 3y और यहाँ से x = 3900 - 3y / 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा 1300 - y / 3, x = 1300 - y, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बांट लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 1300 - y और यहाँ से नीचे से हम y की वैल्यू रखेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करना वैसे ही है जैसे एक बार y की वैल्यू 0 मान लीजिए आप, अगर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300, और अगर y की वैल्यू आप अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 500 भी, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 800। तो सेम अगर हम दूसरी इक्वेशन लें यहाँ से, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x + 3y = 1300, तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1300 - 3y, यहाँ से भी हमने वैल्यू निकाल ली है, तो अब इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 1300 - 3y और यहाँ पे एक बार y की वैल्यू हम पहले 0 रख लेंगे, अगर y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1300, और अगर मान लीजिए हमने y की वैल्यू रख ली 100, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1300 - 3 और y की वैल्यू रखी हमने 100, तो y की वैल्यू अगर हमने 100 रखी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1300 - ये आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। अब यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वैल्यू अलग आएंगे, इक्वेशन जो आपकी लाइन बन रही है लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो सेम बनेगी ग्राफ में। तो हमारे पास ये आ रहा है यहाँ पे 100, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास पड़ेगा 1000। तो हमारे पास 1300 आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है y पे होना चाहिए 100, तो y पे 100 कुछ यहाँ आएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x पे वो आ रही है 1000, तो वैल्यू कुछ यहाँ आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे स्केल से इसको मिलाएंगे पहली लाइन को और जब स्केल से मिलाएंगे दूसरी लाइन को, वो दोनों ही लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी।
तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है। तो पहले वाले अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से देखें तो हमारे पास जब वाई जीरो था तो एक्स की वैल्यू आ रही थी 1300, तो वाई जीरो यानी कि यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, और एक्स पे आ रहा था 1300, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ आ जाएगी। और दूसरे बार में जब वाई की वैल्यू हमने 500 मानी तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 800 आ रही थी, तो 800 कुछ यहाँ आता है। तो ये हमारे पास पहली लाइन हम यहाँ पे बना लेते हैं। कुछ यू बनेगा ये। और जब हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स देखें तो हमारे पास जब वाई की वैल्यू जीरो थी तो एक्स पे हमारे पास 1300 आ रहा था, तो वाई पे जीरो और 1300 यहाँ, यही वाला पॉइंट फिर से आ जाएगा। और सेकेंड टाइम में जब हमने 100 माना था तो वाई पे हमारे पास वैल्यू 100 थी और एक्स पे हमारे पास वैल्यू 1000 थी, तो 100 कुछ यहाँ आएगा और इस पे अगर देखें तो पॉइंट वो यहाँ आएगा। तो अगर हम वो वैल्यू मिलाएं तो हमारे पास वो लाइन कुछ यूं मिल जाएगी। तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे पास जो एप्पल्स थे 2 kg और 1 kg ग्रेप्स का दाम हमारे पास 160 था, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल को हम हर बार एक्स मान लेते हैं, और फॉर द सेम अगर हम ग्रेप्स के लिए माने हम उसको वाई मान लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास वहां से ये बनेगी कि 2x+y इज इक्वल टू 160, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। और अगर यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो हमारे पास वही इक्वेशन बन जाती है, 4x+2y इज इक्वल टू 300। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बच जाएगा ये 2x+y इज इक्वल टू 150, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम सेम करते हैं, जैसे पहले वाले इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी वैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 160, माइनस वाई उधर जाएगा और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा जल्दी कर दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये कराया था इसीलिए। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अभी हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है 160 माइनस वाई बाय 2 और यहाँ दिया हुआ है वाई। तो वाई की वैल्यू हमारे पास जब 0 है तब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम वाई की जगह पर 0 रखते हैं तो 160 माइनस 0 तो आ जाएगा 160, 160 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 80। अगली बार में हम वाई की वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ वाई की वैल्यू 10 रखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 10 रख देते हैं तो 160 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 150। 150 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। और यही सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड देखें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x+y इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें वाई की तो हम या एक्स की निकालें, चाहे वाई की निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 150 माइनस 2x। तो इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में फिलहाल बना रहे हैं इसको, तो हमारे पास एक्स इस बार तो हमने माना नहीं है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 माइनस 2x। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो अगर यहाँ एक्स की जगह 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 150, और अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 रखें तो अगर यहाँ पे हमने 10 रख लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, 20 में से अगर 150 में से अगर 20 अगर हमने माइनस कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 130, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है, हमारे पास ये सामने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी दिया है। वाई की वैल्यू हमारे पास पहले दी हुई है 0, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 80। वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 80, तो वो कुछ यहाँ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जब हमारे पास y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू है 75,
फाइव, तो कुछ यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमने बना लिया पहला। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो लेकिन वाई पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 150, तो ये आ जाएगा वो वाला पॉइंट। और अगली बार हमने एक्स पे माना है 10, तो एक्स पे मात्र 10 निकलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, और वाई पे हमारे पास वैल्यू दी है 130, तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा। तो इसको अब हम स्केल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये कुछ लाइन यू बन जाएगी। और अगर इस लाइन को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये लाइन कुछ इस तरह चली जाएगी। तो एक लाइन ऐसे जा रही है सामने या इधर, और एक लाइन बिल्कुल यहाँ से सामने और इधर जा रही है। तो ये जो दोनों ही लाइनें हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं।